What's up guys, Priyanshu Gupta here. Thank you so much for subscribing to my YouTube channel. तो वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना है विद प्रूफ आपको कि बहुत लोग कह रहे हैं कि 20,000 GIC हो गए, लेकिन GIC इज 10,000. मैं उसको प्रूफ के साथ दूंगा, आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक खोल लेना और मैं वीडियो में सारा एक्सप्लेन करूंगा कहाँ पे लिखा है कि 10,000 है और उसका प्रूफ क्या है. ठीक है, किसी की बातों पर विश्वास ना किया करिए. विदाउट प्रूफ कभी विश्वास नहीं करना, ठीक है, विद प्रूफ ही विश्वास करना. क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और उसमें से 10% फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा, वो मतलब उनका मूड खराब हो जाता है कि यार क्या 20,000 GIC कर दिया. ठीक है, विद प्रूफ अगर देखना है तो विद प्रूफ देखो. सो गाइस, ये देखिए, ये GIC का सच. हेलो गाइस, सो आप देख सकते हो, मैं आपको पहले प्रूफ बता देता हूँ कि कोई चेंजेस नहीं आए GIC में. लाइक सबसे पहले मैंने यहाँ पे कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने ओपन की और मैंने यहाँ पे GIC लिख दिया नॉर्मल. तो ये देखिए, गेट अ स्टडी परमिट थ्रू SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम. तो मैंने उसे ओपन किया तो डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं आप ध्यान से देख लीजिए. अ कॉपी ऑफ योर एक्सेप्टेंस लेटर, DLI नंबर इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन. सेकेंड है कॉपी ऑफ योर अनफिट मेडिकल एग्जाम, प्रूव दैट यू हैव GIC $10,000, नॉट 20,000. गाइस व्हाई आप लोग क्यों दूसरों की बात सुनते हो? अब यहाँ पे देखिए, ये जो आर्टिकल है ये 7 मार्च 2019 को लिखा हुआ है. 7 मार्च 2019 मतलब आज कितनी तारीख है, आज देख लीजिए कितनी तारीख है, 2019, आज 9 मार्च है, 2 दिन पहले आर्टिकल लिखा गया. इसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि $10,000 होना चाहिए और आप लोग पता नहीं किसकी बातों में आई जा रहे हो. सो गाइस, सबसे पहले अगर आपको कुछ जानना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाएगी. तो उसके बाद जैसे ही आपको वेबसाइट दिख जाएगी उसमें आप सर्च करो जिसके बारे में जानना है, स्टडी परमिट के बारे में जानना है कि उस कितना बड़ा है, कि अप्लाई करने के लिए कितना वो हुआ है. ठीक है, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना ये ऑफिशियल लिखे होते हैं, ये किसी और के थ्रू नहीं लिखे होते, ये गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ही लिख के देती है, canada.ca. ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है. तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रूव डैट यू आर गारंटीड कैनेडियन करिकुलम हाई स्कूल, ये सारा प्रूफ चाहिए होता है. ठीक है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर, जैसे मैंने अपनी ये कंट्री सेलेक्ट की थी इंडिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आती है गाइस. तो फिर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आप अपने आप खोल लीजिए. ठीक है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए. अभी देखिए, इफ दिस मैसेज नॉट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, तो मतलब इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं. फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस कर लो कि डॉक्यूमेंट आपको चाहिए क्या. अभी डॉक्यूमेंट यू नीड फॉर योर एप्लीकेशन, ध्यान से पढ़िए, पहले पढ़ लीजिए, अ कॉपी ऑफ योर एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है, अ कॉपी ऑफ योर अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम, प्रूफ दैट यू हैव गारंटीड इन्वेस्टमेंट, GIC 10,000 होनी चाहिए. ठीक है गाइस, तो घबराने की कोई बात नहीं है, 20,000 नहीं हुई है GIC, और जो कह रहे हैं उन्हें कहो कोई प्रूफ दे दिया करो, प्रूफ के साथ बोला करो. क्योंकि बिना प्रूफ के अगर हम बोलते हैं ना, गलत इन्फॉर्मेशन देने से ये होता है, अगर हमारे 40,000 से 50,000 फॉलोअर्स हैं उसमें से 10,000 लोग एकदम से डर जाएंगे और कहेंगे यार मेरा सपना टूट गया, ये हो गया, वो हो गया. सो गाइस, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको मैं ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आराम से आप पढ़ लीजिएगा. और जो सर्च करना है स्टडी परमिट के बारे में, सर्च करना है जो मर्जी सर्च करना है, तो जल्दी सर्च कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि GIC 20,000 हुई है कि 10,000 है. तो मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है आपके सामने, ये लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, 10,000 GIC है. ठीक है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं, अगर कोई अपडेशन आती है मैं ज़रूर अपलोड करूंगा इसके रिलेटेड वीडियो. सो गाइस, थैंक यू सो मच, अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना और शेयर करके लोगों को बताना कि GIC 20,000 नहीं हुई है गाइस, GIC 10,000 हुई है. ठीक है, और ये मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, आई हैव अ प्रूफ एंड आई हैव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको लिंक को क्लिक करो और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो. थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.